सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लाखों कैदियों को टॉर्चर सेल में डाल दिया गया था। वहाँ उन्हें बुरी तरह टॉर्चर किया जाता था। उन्हें वहाँ फिजिकल और इमोशनल दोनों तरह से टॉर्चर से गुजरना पड़ता था। उन्हें अकेलेपन से भी गुजरना पड़ता था। कैदियों के सामने उनके दोस्तों की मौत हो जाया करती थी। उन्हें अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को मरता हुआ देखना पड़ता था। ऐसे में कैदियों को ये लगने लगा था कि उनका भी मरना अब पक्का है। ये सब देखकर कैदी इमोशनली बहुत डिस्टर्ब हो जाते थे, बर्दाश्त नहीं कर पाते थे और वो सदमे से ही मर जाते थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कैदियों को रखने के लिए कई कैंप्स बनाए गए थे। उन्हीं कैंप्स में से एक कैंप में बंद थे साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल। विक्टर उन कैंप्स में 3 साल तक रहे। उन कैंप्स में उन्होंने जो भी देखा, जो भी एक्सपीरियंस किया, जो भी टॉर्चर सहे, किसी को मालूम नहीं था कि वो इसके बारे में एक किताब लिख देंगे। उस किताब की करोड़ों कॉपीज बिक जाएंगी और कई भाषाओं में वो किताब ट्रांसलेट हो जाएगी। उन्होंने किताब लिखी जिसका नाम था मैन सर्च फॉर मीनिंग। अभी जो कोरोना क्राइसिस चल रही है, आप घरों में बंद हो, बोर हो रहे हो, अच्छा नहीं लग रहा है, तकलीफ हो रही है, तो आप अपनी इस तकलीफ को ज़रा इन टॉर्चर सेल्स के फोटोज से एक बार कंपेयर ज़रूर करना। इससे मुझे पक्का यकीन है कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारी तकलीफ इन टॉर्चर सेल्स की तकलीफ के मुकाबले कुछ भी नहीं है। जब विक्टर को इन कैंप्स में डाला गया तो उनके साथ उनकी फैमिली भी थी, लेकिन सब के सब धीरे धीरे मरते गए। विक्टर एक इंसिडेंट बताते हैं। उनके साथ एक कैदी था, उसने फरवरी महीने के आखिर में एक सपना देखा। उसने विक्टर को बताया कि कल रात उसने एक सपना देखा था। सपने में एक आवाज़ गूंजी कि मुझसे जो पूछना है पूछो। तो मैंने उससे पूछा कि हम इस कैंप से बाहर कब निकलेंगे, तो उस आवाज़ ने कहा कि 30 मार्च को तुम लोग बाहर निकल जाओगे। इस सपने के बाद उस कैदी को पूरा यकीन हो गया था कि वो 30 मार्च को रिहा हो जाएगा। मार्च का महीना शुरू हो गया, वो एक एक दिन गिन रहा था। धीरे धीरे दिन निकलते गए। जब मार्च का महीना ख़त्म होने आया तो उस कैदी को ये दिखने लगा कि वो रिहा नहीं हो सकेगा। 29 मार्च को वो बीमार पड़ गया और 30 मार्च को वो मर गया। ऊपरी तौर पर तो ये लग रहा था कि उस कैदी को कोई बीमारी हुई है जिससे वो मर गया, लेकिन विक्टर जानते थे कि वो कैदी किसी बीमारी से नहीं मरा था, बल्कि नाउम्मीदी से मरा था। उसके मरने की वजह थी उम्मीद का ख़त्म हो जाना, होप का ख़त्म हो जाना। बिगेस्ट लेसन ऑफ दिस बुक, इंसान को तकलीफें नहीं मारती हैं, इंसान को धोखा नहीं मारता है, इंसान को चैलेंजेस नहीं मारते हैं, इंसान को नाउम्मीदी मार देती है। जिस इंसान के अंदर आने वाले कल की कोई उम्मीद नहीं होती, कोई ख्वाब नहीं होता, वो इंसान भी नहीं रहता। विक्टर ने गौर किया कि कैंप में ज़्यादातर मौतें क्रिसमस और न्यू ईयर के बीच में हुई थी, क्योंकि लोगों को उम्मीद थी कि क्रिसमस आ रहा है, न्यू ईयर आ रहा है, हमें रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो उनकी उम्मीदें टूटी और वो मर गए। जब भी किसी इंसान की उम्मीदें ख़त्म होती हैं तो उसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, और जब किसी का इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है तो वो किसी भी छोटी मोटी बीमारी से मर सकता है। यानी पहले उम्मीदें ख़त्म होती हैं, उससे इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, उसके बाद वो बीमारी ताकतवर हो जाती है। दूसरी चीज़ विक्टर ये बताते हैं कि आपके पास ज़िंदा रहने के लिए एक बड़ा सपना होना चाहिए, एक लॉन्ग टर्म गोल होना चाहिए। जिसके पास आने वाले कल के लिए बहुत बड़ा ख्वाब है, उसके लिए आज की तकलीफ़ें, आज की प्रॉब्लम्स बहुत छोटी होती हैं। जब किसी का बिलीव बड़ा होता है, किसी का कॉन्फिडेंस बड़ा होता है, किसी का सपना बड़ा होता है, किसी का कमिटमेंट बड़ा होता है, तो उसके सामने आने वाली क्राइसिस, प्रॉब्लम्स, तकलीफ़ें सब छोटी हो जाती हैं। हम कोरोना वायरस की क्राइसिस से घर में रहकर मुकाबला कर सकते हैं। आपको अपनी सुरक्षा करना है, लेकिन इससे घबराना नहीं है। आपको अपनी उम्मीद को ख़त्म नहीं होने देना है। विक्टर कहते हैं कि जब कोई प्रॉब्लम या बीमारी आती है तो आपकी बॉडी कमज़ोर पड़ जाती है, लेकिन आपका माइंड बहुत पावरफुल है। आपको इसे कमज़ोर नहीं पड़ने देना है। आप रोज़ टीवी देख रहे हो, आप बुरी न्यूज़ सुन रहे हो कि इतने मरे, इतने बचे, इतने सीरियस, ये आपको मेंटली वीक बना देगा। आप मेंटली वीक हो जाओगे तो आपका इम्यून सिस्टम भी कमज़ोर हो जाएगा, जिससे आपका बीमार होने का ख़तरा बढ़ जाएगा। विक्टर कहते हैं कि वो 3 साल इन कैंप्स में इसलिए ज़िंदा रह पाए क्योंकि उनके पास कल के लिए बड़े सपने थे, विल पावर थी, उन्हें एक किताब लिखना थी। तो वो सारी प्रॉब्लम्स, सारी तकलीफें उनके सपनों और इरादों के आगे छोटी पड़ गईं और वो इन सब से बाहर निकल गए। तीसरी चीज़ जो विक्टर ने ऑब्जर्व की थी वो ये कि जब इंसान के सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो वो उसे कैसा मीनिंग देता है, वो उसे पॉजिटिव मीनिंग देता है या नेगेटिव मीनिंग देता है। जैसा भी आप उसे मीनिंग देते हो, ये मीनिंग ही उस प्रॉब्लम को आपके लिए मुश्किल या आसान बनाता है। आपका मीनिंग उस प्रॉब्लम को या तो और बढ़ा देगा या उसे ख़त्म कर देगा। फॉर एग्जांपल, आप कहीं जाने के लिए घर से बाहर निकलते हो और आप देखते हो कि आपकी गाड़ी का टायर पंचर है। अब आपको बहुत गुस्सा आ जाता है, आपको लगता है कि क्या इसे अभी पंचर होना था या आप ही के साथ क्यों हुआ, पूरा मूड ख़राब हो गया। आपने इसे दे दिया नेगेटिव मीनिंग। आपके पास एक और ऑप्शन था, आप सोच सकते थे कि हो सकता है कुदरत आपको वहाँ जाने से रोक रही हो,
हो सकता है कि आप किसी बड़े एक्सीडेंट से बच गए हों इसकी वजह से। अगर तेज़ स्पीड में गाड़ी का टायर पंचर हो जाता तो एक्सीडेंट हो सकता था। अच्छा हुआ कि निकलने से पहले ही आपको टायर पंचर मिला। यह है पॉजिटिव मीनिंग। इंसान यूजुअली नेगेटिव ही सोचता है और इस नेगेटिव सोचने की वजह से हम हर चीज़ का नेगेटिव साइड ही देखते हैं, उसका पॉजिटिव साइड नहीं देखते। जैसे कोरोना क्राइसिस में जितना टाइम आपने फैमिली को दिया है, क्या आपने कभी पहले इतना टाइम दिया है? मेरे कुछ दोस्त जो किताबों से बिल्कुल दूर थे, उन्होंने बुक्स पढ़ना शुरू कर दिए, वो रीडिंग हैबिट बना रहे हैं। अगर कोरोना क्राइसिस ना होता तो क्या ऐसा होता था? जितना मैं इन दिनों पढ़ रहा हूँ, पहले इतना कभी नहीं पढ़ता था। जितनी सफाई लोगों ने रखनी शुरू कर दी है, पहले कभी नहीं रखते थे। बार बार हाथ धो रहे हैं, अच्छे तरह हाथ धो रहे हैं, सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, किसी लाइन में लगे हुए हैं तो दूर दूर खड़े हो रहे हैं, आसमान साफ नज़र आ रहा है, हवा साफ हो गई है, समंदर का पानी साफ हो गया है। ऐसा लग रहा है कि नेचर ने जैसे रिसेट बटन दबा दिया। हमें ये पॉजिटिव साइड्स भी सोचना चाहिए। जब तक आपके पास नेगेटिव मीनिंग है, आप उस क्राइसिस से डील नहीं कर सकते। हर प्रॉब्लम उसके साथ एक इक्वल अपॉर्चुनिटी भी लेकर आती है। दुनिया जब से बनी है तब से अब तक उसमें प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं। अगर ये प्रॉब्लम्स नहीं होती तो हम यहाँ तक ग्रो नहीं कर पाते। सबसे लास्ट में विक्टर कहते हैं कि आपसे सब कुछ छीना जा सकता है, आपकी धन दौलत, घर, गाड़ी, बीवी, बच्चे, माँ बाप, दोस्त, सेहत, लेकिन एक चीज़ नहीं छीनी जा सकती, वो है आपकी पावर ऑफ डिसीजन। आपसे फैसला करने की ताकत कोई नहीं छीन सकता। अगर आप सिचुएशन से घबरा कर फैसला करते हो तो वो सिचुएशन आप पर हावी हो जाएगी, लेकिन अगर आप सिचुएशन के हिसाब से खुद को बेहतर बनाते हो और डिसीजन खुद लेते हो तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। दुनिया में इससे पहले भी कई बीमारियां आई हैं जिससे करोड़ों लोगों की मौत हुई है। उसकी वजह ये थी कि लोग अवेयर नहीं थे, उनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं थी, इन्फॉर्मेशन लेट पहुंचती थी, बीमारी से डील करने के साधन नहीं थे। लेकिन आज का वक्त सबसे अच्छा वक्त है। हमारे पास इन्फॉर्मेशन बहुत तेज़ी से पहुँचती है, हमारे पास साधन है। मुझे पूरा यकीन है कि आगे और भी अच्छा वक्त आने वाला है और मैं आपको उम्मीद दिलाता हूँ कि आगे सच में बहुत अच्छा वक्त आने वाला है। यू गाइज़ आर अमेजिंग। कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।